हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकेट बॉल। बिग बैश लीग 2023 में खेला जाने वाला मैच नंबर 48 जो कि खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर जो कि स्ट्राइक करते हुए काफ़ी टाइम से नहीं दिखी। वहीं दूसरी तरफ बात करें पर्थ स्कॉर्चर्स की, जिन्होंने जीत का मतलब खुमार पूरे सर चढ़ के इनके बोला, गजब की बॉलिंग अटैक के साथ पर्थ स्कॉर्चर्स इस मैच को खेलने आने वाली है। बहुत गजब का मैच होगा। 20 जनवरी को 11 बजे सुबह में बैक टू बैक दो मैच बीबीएल के होने वाले हैं, तो तैयार जो टीम बनाने के लिए मजा आने वाला है, क्योंकि बीबीएल में जिस तरह की क्लीन स्वीप हो रही है ना, और जितनी विनिंग हो रही है और डेली हो रही है, चेक कर सकते हो जाके। पहले तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और विनिंग चेक करनी है ना कि हमने जो टीम प्रोवाइड की है उस सेम टीम से हमने खुद कितना इन्वेस्ट किया और क्या रिटर्न आया है। सारे प्रूफ, सारे स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले जाके चेक कर लेना। अगर लगेगा कि जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ तो फिर ज्वाइन हो जाना। गजब की टीम मिलने वाली है। बिग बैश लीग का रिकॉर्ड बनाया है हमारे फैंटेसी क्रिकेट बॉल चैनल ने, हमारे टेलीग्राम चैनल ने, क्योंकि फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही आएगी। देखो हमेशा मैं कहती हूँ, टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद, और वो उस टीम के साथ अगर आप खेलते हो ना, लॉस नहीं होगा। स्टार्टिंग में वादा किया था जब बिग बैश लीग स्टार्ट हुआ था, और वादे को निभाया भी है। पूरे टेलीग्राम पे फैंटेसी क्रिकेट बॉल जैसी टीम बिग बैश लीग में पूरी सारी टीमें, सारे मैच अभी तक जितने 47 मैच हुए ना, सारे मैच का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विनिंग टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और यही वजह है जो सपोर्ट आपके तरफ से हमको मिल भी रहा है, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जीत कराएंगे, लगातार जीत, बार बार जीत। बिग बैश लीग ही नहीं, अभी बहुत सारी लीगें आने वाली हैं। आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। पूरे साल मैच ही मैच है, और पैसा कमाने के लिए बहुत सारा वो है यार। बाकी देखो, कुछ लोग कमेंट करके जीएल की टीम मांगते हैं, तो जीएल की टीम यार बहुत मैंने सुना है कि जीएल की टीम चाहिए, जीएल की टीम चाहिए। जीएल की टीम क्या होती है? स्मॉल लीग की टीम तो आपको मैं प्रॉपर टीम प्रोवाइड करती हूँ, जीएल की टीम कोई टीम नहीं होती है जीएल की। क्योंकि देखो, कब कौन सा खिलाड़ी आके वहाँ चल जाता है ना, जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जिसको बहुत किसी भी के बारे में मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पर वो खिलाड़ी आके उस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट लेके चला जाता है। क्या ये कोई प्रेडिक्शन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो जहाँ से आप जीएल की टीम ले रहे हो ना, उस टीम के साथ भी आपने कभी जीएल जीता ना ही जीता है और ना ही जीतोगे, तो वो सपने भूल जाओ, सपनों से बाहर निकलो, रिस्क लो, स्टैट्स फॉलो करो। प्लेयर ज़्यादातर क्रिकेट मैच, मैं हमेशा कहती हूँ मैच फॉलो करो, मैच देखो, स्टैट्स अगर आपके सामने चीज़ें, हम इतना कुछ आप तक ला के देते हैं, और इसीलिए ना कि आप जीतो और जेल की टीम आप खुद बनाओगे अगर सारे स्टैट्स फॉलो कर लिए, जो इस पूरे वीडियो में, आपके छोटे से वीडियो में आपको बताए जाएंगे। बहुत सारी बातें हो गई है गाइज, अगर मैं अभी मैच के बारे में बात करूंगी, सिर्फ और सिर्फ मैच के बारे में बात करेंगे। पर्थ स्कॉर्चर इस सीज़न में 11 मुकाबले में से 9 मुकाबले जीत के पॉइंट टेबल पे टॉप पे। वहीं बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो 11 में से सिर्फ 5 मुकाबले जीती है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे, रिसेंटली लगातार स्ट्राइक इनके खुद के टीम पे हुआ है, जबकि इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, तो वैसा ही इस बार देखना। आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगी। मैथ्यू शॉट इस बार कितनी लॉन्ग पारी खेलने वाले हैं, इसके साथ साथ एंड्री उटाई कितने खिलाड़ियों को टाटा बाय बाय करने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। देखो इस सीज़न में ना दोनों टीमें पहले भी आपस में भिड़ी थी, और उस मैच को पर्थ स्कॉर्चर्स ने एक तरफा जीत लिया था। क्या इनके बॉलिंग के आगे कोई टीम नहीं जीतने वाली है? लास्ट मैच में हरिकेन ने टॉस जीत के पर्थ को बॉलिंग दी थी। क्यों बॉलिंग दी मुझे नहीं समझ में, अगर पर्थ खुद भी टॉस जीतती तो बॉलिंग ही लेती। वहाँ पर वो मूव जो था ना, वो गलती है, वो एडिलेड स्ट्राइकर, मैं सोचती हूँ कि अगर इसमें टॉस जीतने वाली है तो वो गलती दोबारा ना दोहराए। पर्थ को पहला उनका बॉलिंग आप नहीं चेक कर सकते यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे मैच वैल्यू की। ये मुकाबला एडिलेड ओवल में होने वाला है। अगर मैं इस पिच की बात करूँ, हाईएस्ट स्कोरिंग पिच है एज यूजल, वही बातें जो मैं रोज बताती हूँ, ऑस्ट्रेलिया की पिच है, ब्लैक सॉइल पिच है, तो यहाँ पर आपके पेसर्स को मदद मिलेगी, तेज गति देखने को मिलती है, बाउंस मिलती है स्टार्टिंग में, मिडिल ऑर्डर में आपके स्पिनर थोड़ा बहुत कमाल करके दे सकते, स्टैट्स चीज़ें और क्लियर कर देगी। पिच पे टोटल 68 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 41 मैचेस जीते और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने 27 मैच जीते गाइज। लेकिन देखो यहाँ फर्स्ट बैटिंग से, और इसीलिए मैंने कहा कि बैटिंग पिच है, हाईएस्ट स्कोरिंग पिच है, ज़्यादातर देखो पहला बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग की बात करें तो 167 है, हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर ने बनाया 232 पे 5 विकेट है, वो लोएस्ट स्कोर भूल जाओ, ये हाइएस्ट स्कोर है यहाँ पर।
लोएस्ट स्कोर की बात करें तो एडलेड स्ट्राइकर ने ही बनाया है, 87 रन बना के पूरी टीम वापस लौटी थी। किस तरह का स्कोरिंग पैटर्न फॉलो होता है पिच पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो 150 से नीचे का स्कोर 16 बार बन चुका है, 150 से 169 की बात करें तो 19 बार बन चुका है, 170 से 189 की बात करें तो गाइस 24 बार बन चुका है, और 190 प्लस का स्कोर भी टोटल 9 टाइम बन चुका है। तो यहाँ स्टैट्स अगर आप देखो ना, ज़्यादातर मैचेस आपके 170 प्लस वाले मैचेस होते हैं। लास्ट 10 मैच की बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करेंगे तो आप देखो, पेसर्स को तो मदद मिल ही रही है लेकिन स्पिनर्स को भी मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर एगर का रोल बढ़ जाएगा, इधर से आपके मैथ्यू शॉर्ट का रोल बढ़ने वाला है। ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के टीम बनाइएगा। चलिए जान लेते हैं क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करेंगे एडलेड स्ट्राइकर्स की, इनके तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मैथ्यू शॉर्ट, जो कि आपके राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराते हैं। सबसे कमाल की बात क्या है मैथ्यू शॉर्ट में ना, मैं ये बताती हूँ कि आप इनको टीम में पिक क्यों करें और कैप्टन का सबसे बेस्ट चॉइस शॉर्ट क्यों बन जाते हैं। दो बातें खास है, एक ओपनिंग आते हैं, ओपनिंग जो भी खिलाड़ी आएगा उसके पास मौके ज़्यादा होंगे, और शॉर्ट वैसे भी यार बहुत बड़ा नाम है, बहुत शॉर्ट इनके शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं होते, शॉर्ट तो बहुत लंबे लंबे जाते हैं। इसके साथ साथ बॉलिंग पावर प्ले में कराएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। इनका साथ देते हुए देखेंगे ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन अभी रिसेंट अगर आप बात करो तो एक दो मैच से उस तरह की पारी आई नहीं है, उस बेसिस पे आप ट्रेविस हेड को जज नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पर अपना अगर फेवर बताऊँ तो मेरा ओपिनियन ये रहने वाला है कि आप ट्रेविस हेड को अपने टीम में जरूर ट्राई करेगा। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी ने यहाँ पर मैं बताऊँ ना तो बहुत सारे जो दिग्गज खिलाड़ी थे लीन वगैरह की जगह ली रखी है, तो एलेक्स कैरी यहाँ मुझे लग रहा है कि लास्ट भी अर्शतक जड़ा है और काफ़ी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, यहाँ भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये टॉप थ्री ऑर्डर को आप अपने टीम में जरूर जगह दीजिएगा, और ये टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करने आती है तब तो कन्फर्म देना है। उसके बाद नजर आएंगे एडम हॉस, काफ़ी क्वालिटी प्लेयर हैं, आपको 20-30 के एवरेज से कंसिस्टेंसी के साथ हर मैच में रन बना के देंगे। फिर नजर आने वाले कोलिंडी ग्रैंड होम, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग कराते हैं, राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग आएगी, ज़्यादा रन बना के नहीं देने वाले, एक आका दो विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं। थॉमस कैली को आप ड्रॉप कर दीजिए, कहीं से पॉइंट नहीं मिलने वाला, मुझे नहीं लगता थॉमस कैली को बहुत मौका मिलेगा। बेंजामिन मनंती आते तो बहुत बड़ा रॉकेट निकला था, लेकिन अभी तो एकदम फुसकी बम हो चुके हैं गाइज, एक से ज़्यादा विकेट और एक से ज़्यादा ओवर नहीं मिल रहा है इनको, तो इनको भी टीम में रखना अभी बहुत रिस्की रहने वाला है। फिर नजर आएंगे हेनरी थॉटन। थॉटन अगर मैं बात करूँ, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले और डेथ में दोनों जहां पर विकेट मिलती है वहां पर थॉटन बॉल डालते हैं। और अगर मैं आपको याद दिला दूँ ना, जब पर्थ के सामने ये टीम भिड़ी थी वहां भी थॉटन ने अच्छा परफॉर्म किया था और विकेट निकाला था। लास्ट मैच में विकेट जरूर नहीं मिली है, लेकिन थॉटन को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करने, मैं तो नहीं करने वाली हूँ। फिर नजर आएंगे कैमरन बॉयज। कैमरन बॉयज आपके स्पिन बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले मिडिल ऑर्डर में बॉल डालेंगे, हैरी कॉन में मिडिल डेथ, वैसे अगर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, ये खिलाड़ी आपको मिडिल और डेथ में बॉलिंग कराने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी पांच मुकाबले के स्टैट्स के बारे में, क्योंकि ये स्टैट्स आपको GL प्लस स्मॉल लीग की टीम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्टैट वो स्टैट, इस पिच पे उस पिच पे किसके खिलाफ क्या है, आप इतना डेटा लेके क्या करोगे यार, छोटा सा स्टैट्स है फॉलो कर लो। और बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं ना, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो आप, तो मैं साइड हो जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए स्टार्ट करेंगे ट्रेविस हेड, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 92-51, 70 रन, 1 रन, 5 रन, आखिरी दो मैच से बिल्कुल फ्लॉप रहे। मैथ्यू शॉर्ट राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, शतक जड़ा, एक विकेट, 38 रन, 2 विकेट, 20 रन, 0 विकेट, 39 रन, आखिरी मैच में आप देखो 40 रन बनाए और एक विकेट भी निकालिए। तो ये चीज़ मैथ्यू शॉर्ट का मुझे बहुत अच्छा लगता है, पारी शॉर्ट नहीं रहती है ना ही फैंटेसी में शॉर्ट रहते हैं, हमेशा सबसे लॉन्ग काम करते हैं और पॉइंट ज़्यादा दिलाते हैं, लंबे लंबे पॉइंट दिलाते हैं। थॉमस कैली राइट हैंडेड बैटिंग, 3 रन, 1 रन, 6 रन, आखिरी मैच में 8 रन बने थे। एडम हॉस की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग, 38 रन, 33 रन, 21 रन, 19 रन, 21 रन। कोलिंडी ग्रैंड होम राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 2 विकेट, 32 रन, 21 रन, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली। एलेक्स कैरी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग, 22 रन, 111 रन, 2 रन, 54 रन। हेनरी थॉटन की बात करेंगे, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 2 विकेट 2 विकेट, आखिरी 3 मैच से थॉटन को विकेट नहीं मिली और तीनों मैच का कसर इस मैच में निकलने वाला है।
बेंजामिन मनंती राइट आर्म ऑफ स्पिन, एक विकेट, दो विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली। वेस एगर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, जीरो विकेट, दो विकेट, जीरो विकेट, दो विकेट, दो विकेट, दो दो विकेटें एगर को हर मैच में मिल रही है। डेथ में बॉलिंग कराने का यही फायदा होता है। हैरी कॉनवे राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, जीरो विकेट, एक विकेट, जीरो विकेट, तीन विकेट, जीरो विकेट, और इस बार फिर से विकेट मिलेगी क्योंकि पैटर्न आप देखो जीरो एक जीरो तीन जीरो, तो फिर मुझे एक या दो का आंकड़ा यहाँ दिख रहा है। कैमरन बॉयस राइट आर्म लेग स्पिन, पाँच जीरो जीरो दो एक। यहाँ से अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आप मैथ्यू शॉर्ट, पोलेंडी ग्रैंड होम, एलेक्स कैरी, थॉटन, वेस एगर और कॉनवे के साथ जा सकते हो। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप ट्रेविस हेड को टीम में लेने के लिए तैयार हो, जो अपना हेड में सोच बना लो। उसके बाद थॉमस के लिए एडम होस्ट, यहाँ से मनंती तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है लेने लायक है, और उस कैमरन बॉयस पे आप रिस्क ले सकते हो। चलिए गाइस अब जानेंगे ना टॉप की टीम के बारे में, बात करेंगे पर्थ स्कॉर्चर्स की प्लेइंग 11। पर्थ स्कॉर्चर्स की तो मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। इस सीज़न में ना एक तरफा कर दिया है मैच को, मतलब सबसे इजी होता है जब हम पर्थ का मैच होता है और हमारे लिए टीम बनानी होती है, पर्थ के सारे बॉलर्स को भर लो, बहुत आसान है, कैप्टन वाइस कैप्टन का खेल है सारा। बस यहाँ पर देखो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे स्किनाजी, उनका साथ देते हुए दिखेंगे कैमरन बैंकक्रॉफ्ट। बैंकक्रॉफ्ट आपके आखिरी कई मैच से नहीं चल रहे हैं, तो क्या इस मैच में चलने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंटेंट आ रहा है कि ये इस मैच में चलने वाले हैं। स्किनाजी नहीं चलने वाले, लास्ट भी नहीं चले थे, इधर भी नहीं चलने वाले हैं। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे हार्ड हार्डी। हार्ड हार्डी की बात करूँ ना तो गजब का खेला था भाई, आखिरी मैच आपने अगर देखा होगा ना दिल जीत लिया था, 90 रन की पारी, पता नहीं 14 कितने तो चौके लगाए थे और सिर्फ एक छक्का, पूरे इनिंग में एक छक्का लगा, सारे चौकों की बरसात कर दी। हार्ड हार्डी ने दिखा दिया कि वो कितने हार्ड हैं, और पर्थ स्कॉर्चर्स की बॉलिंग नहीं बैटिंग इतनी स्ट्रांग है ये प्रूव कर दिया, क्योंकि हमेशा ऐसा एक मिथ बना लिया था लोगों ने कि पर्थ स्कॉर्चर्स मतलब बॉलिंग अटैक, लेकिन बैटिंग लाइन की ताकत दिखाई है हार्ड हार्डी ने। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आते और हर मैच में अच्छा परफॉर्म करके देते, उनको ड्रॉप करने की तो आप गलती से भी मत सोचिएगा, इवन वॉइस कैप्टन की सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके का साथ देते हुए दिखेंगे सेकेंड राउंड बैटिंग करने आएंगे जोस इंग्लिस। इंग्लिस भी ना अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल जोश में थे, आखिरी मैच नहीं सारे ही मैच में जोश में दिखते, आखिरी मैच में 50 भी लगाया है, और ये दोनों खिलाड़ियों ने पूरे अपने टीम को जीत हासिल करा दी थी, किसी भी अगले बल्लेबाज की जरूरत नहीं पड़ने दी। टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद मिडिल ऑर्डर ने संभाल लिया काम, वैसा ही कुछ हुआ था उस मैच में भी जिस टाइम एडिलेड के सामने पर्थ भिड़ी थी। टॉप ऑर्डर पूरी डिजॉल्व होने के बाद एस्टन टर्नर ने पारी संभाली, 48 रन ठोक के अपने टीम को जीत हासिल कराई थी। तो यहाँ पर एस्टन टर्नर, उसके बाद देखो निक हॉब्सन नजर आएंगे, फिर देखने को मिलेंगे एस्टन टर्नर। ये चीज़ याद रखिएगा कि टर्नर ने एडिलेड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया था, और एडिलेड की बॉलिंग अटैक भी स्ट्रांग है। आपके थॉर्टन की बात कर लो, एगर की बात कर लो, मैथ्यू शॉर्ट, सारे बॉलर अच्छे हैं यार उधर से, तो मुझे लगता है टर्नर का बैटिंग इस मैच में भी आ सकता है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है। फिर नजर आएंगे एस्टन एगर। एस्टन एगर आपके मिडिल ऑर्डर में दो ओवर कंफर्म डालने वाले हैं, वहाँ पर देखो जो भी कमाल कर दिए काका विकेट, बैटिंग से तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ खास करने वाले हैं। फिर नजर आएंगे जेसन बैरनड्रॉप। बैरनड्रॉप की बात करूँ तो ये खिलाड़ी आपके पावर प्ले और मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराने आएंगे। फिर नजर आएंगे टीम के की प्लेयर एंड्रयू टाई, जिनके सामने सामने वाली टीम की टाटा बाय बाय होती है, सारे बल्लेबाजों को निकाल देते हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग कराएंगे। सबसे गजब की बात पता है क्या है, पावर प्ले में बॉल डालेंगे, मिडिल ऑर्डर में भी बॉल करेंगे और डेथ में भी करेंगे, तो तीनों फॉर्म मतलब लाइन में इनकी बॉल आने वाली है और विकेट निकलने वाले हैं। एंड्रयू टाई बहुत सेफ ऑप्शन में जाते हैं, और इस मैच में मैं बता रही हूँ ना हर कोई यही जाने वाला है, एंड्रयू टाई, मैथ्यू शॉर्ट, एंड्रयू टाई, मैथ्यू शॉर्ट, शॉर्ट टाइम में खेलते रहो। उसके बाद नजर आएंगे मैथ्यू केली राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, ये भी कराते हैं। मैथ्यू केली की बॉल आपको देखो आएगी मिडिल में और डेथ में। उसके बाद नजर आएंगे लेंस मॉरिस। लेंस मॉरिस भी पावर प्ले और डेथ के बॉलर है। गाइस अब मैं आपको बताऊंगी इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी पाँच मुकाबले के स्टैट्स के बारे में, क्योंकि कन्फ्यूजन तो तब तक रहेगा जब तक स्टैट्स क्लियर नहीं होगा। टीम मेकिंग तभी अच्छे से कर पाओगे जीएल की भी स्मॉल लीग की भी, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। प्लेयर्स की रीसेंट परफॉर्मेंस इसके साथ साथ पास्ट परफॉर्मेंस बहुत डिपेंड करती है। आप एक मैच के डिसाइड पे किसी भी प्लेयर को डिसाइड नहीं कर सकते कि आखिरी मैच में मॉरिस ने दो विकेट निकाल दिया तो इस बार भी निकाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हो भी सकता है। तो ये चीज़ें कैसे डिसाइड होगी इस स्टार्ट से, तो आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, जीएल की टीम बनाने के लिए बहुत मदद करने वाली है। खुद की जीएल की टीम खुद से बना पाओगे अपने रिस्क पे, तो स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीफन स्किनाजी राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 1 run 11 run 40 run 66 run 0 run। कैमरन बैंकक्रॉफ्ट राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 76 run 6 run 55 run। आखिरी दो मैच में देखो एकदम फ्लॉप गए। बैंकक्रॉफ्ट आखिरी दो मैच से 1-1 run बना रहे हैं और इस मैच में मैं बहुत श्योर हूँ कि बैंकक्रॉफ्ट बैटिंग करने वाले हैं। फिर जोस एंग्लिस जो कि बिल्कुल जोश में दिखे थे आखिरी मैच में, राइट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपिंग, 6 run 67 11 run आखिरी मैच में और शतक जड़ा। निक हॉपसन लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, इनकी तो बैटिंग आने ही वाली नहीं है। एस्टन टर्नर राइट हैंडेड बैटिंग, 23 run 0 wicket 0 wicket 23 run आखिरी मैच में 1 run बने। एरोन हार्डी राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, हालांकि बॉलिंग नहीं करा रहे हार्डी और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि हार्डी को एकाका ओवर देना चाहिए, बट इतने बॉलर भरे हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पर। इनकी बात करेंगे, 57 65 11 run 1 run आखिरी मैच में 90 run मारा है। और देखो गाइस दो मैच में फ्लॉप होने के बाद तीसरे मैच में खिलाड़ी चला है, इसके अकॉर्डिंग आप यहां से देखो बैंकक्रॉफ्ट दो मैच में फ्लॉप होने के बाद तीसरे मैच में चल सकता है, तो थोड़ा ये स्टैट्स आप फॉलो कर सकते हो जीएल की टीम बनाने के लिए। एस्टन एगर लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, 1 wicket 0 wicket 1 wicket 0 wicket 1 wicket, यहाँ पर भी विकेट मुझे नहीं लग रहा है मिलने वाली है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। बैरन ड्रॉप लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, 1 wicket 1 wicket 3 wicket 1 wicket 1 wicket, हर मैच में बैरन ड्रॉप को विकेट मिल रही है। एंड्रयू टाई राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 3 wicket 1 wicket 3 wicket 0 wicket, आखिरी मैच में टाई को 2 wicket मिली और टाई डेप्थ में यार कन्फर्म विकेट निकाल के देते हैं। मैथ्यू केली राइट आर्म मीडियम बॉलिंग, 1 wicket 2 wicket 2 wicket 2 wicket 1 wicket, केली भी विकेट टेकर बॉलर हैं। लेंस मॉरिस राइट आर्म मीडियम बॉलिंग, 7 5 2 2 2, हर मैच में आप देखो ये जो तीन खिलाड़ी हैं ना, टाई केली मॉरिस बैनड्रॉप, चारों ही बॉलर ऐसे हैं ना जिनको हर मैच में विकेट मिल रही है, इसलिए यहाँ बहुत टफ होता है डिसीजन लेना कि किसको लें और किसको छोड़ें। तो अगर पर देखो फर्स्ट बॉलिंग करने आएगी तो आप चारों बॉलर को अपनी टीम में भर लीजिएगा, लेकिन अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आती है तो वहाँ पर आप देखो बैनड्रॉप या लेंस मॉरिस में से किसी एक को चूज कर सकते हो। केली और टाई तो सबकी टीम में रहने वाले हैं, यहाँ से अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आप बैनड्रॉप, जोस एंग्लिस, एरोन हार्डी मैं और इधर से नीचे से चारों ही बॉलर मुझे तो लगते हैं। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो स्किनाजी, उसके बाद निक हॉपसन, एस्टन टर्नर, एस्टन एगर, बैनड्रॉप भी थोड़ा रिस्की लग रहा है। ये 3-4 खिलाड़ी आप पर्थ की तरफ से रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओ अगर रिस्क लेना आपको जीएल में। तो गाइस देखो आप वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे एक फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है माई मास्टर 11 फैंटेसी एप्लीकेशन। गजब का एप्लीकेशन है, जल्दी से डाउनलोड कर लो। यहाँ पर देखो मैं खेलती हूँ और बहुत सारे पैसे बना रही हूँ, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कितने पैसे हमने बनाए हर एक मैच में बिग बैश लीग के, उठा के चेक कर लेना। और इसके अलावा यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिलने वाले हैं, जैसे 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इंस्टेंट विदड्रॉल, लो कमीशन कॉन्टेस्ट, लो कॉम्पिटिशन, 100% बोनस यूजेबल कॉन्टेस्ट, फ्री गिव अवे, आप क्या चाहिए, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। चलिए आगे बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। दोनों टीमों ने T20 इंटरनेशनल में 21 बार एक दूसरे का आमना सामना किया है। 21 मैचेस में से पर्थ को जीत हासिल हुई है 11 बार। वहीं बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स की तो इन्होंने स्ट्राइक किया है पर्थ पे 10 बार। यहाँ से आप क्या डिसाइड कर सकते हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दोनों टीमों के बॉलिंग अटैक स्ट्रांग है, ये मजा देखने को मिलेगा इस मैच में भी किसकी बॉलिंग स्ट्रांग है। वैसे तो पर्थ की है हम सब जानते हैं, लेकिन देखते हैं थॉर्नटन किस तरह का जादू करेंगे या फिर कितने विकेट टाई को मिलेंगे, केली को क्या निकालने वाले हैं, शॉट कितने लंबे शॉट मारने वाले हैं, सारी बातें आपको डिटेल में मैंने ऑलरेडी देखो इतनी चीज़ें तो आपके सामने बोल दी हूँ। यहाँ अगर पलड़ी की मैं बात करूँ तो दोनों मुझे बराबर लग रही। मैच प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। सेफ तो देखो एज यूजुअल सारे ही बोलेंगे और मैं भी वही बताने वाली हूँ। मुझे जैसा लगता है इतनी स्ट्रांग टीम है ना पर्थ स्कॉर्चर्स, सारे टीमों को पछाड़ के यहाँ तक आई है टॉप पे, कितने टाइम से टॉप पे बनी हुई है, रैंक 1 हथिया लिया है और ये बिग बैश लीग का टाइटल भी हथियाने के एकदम उस पर निकल चुके हैं। तो पर्थ स्कॉर्चर मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है इस मैच को जीतने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, पर्थ जीतेगी, अगर जीतेगी या नहीं जीतेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस मैच में बाजी कौन मारने वाला है। दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर अपने आखिरी 5 में से 4 मैच जीती है, अब क्या बोला जाए। और इसके बाद अगर बात करें एडिलेड स्ट्राइकर की तो आखिरी 5 में से 2 मैच जीती है, आखिरी 3 मैच बार बार लगातार हारते हुए यहाँ आ रही है। और हार का सिलसिला क्या फिर से बड़ा कामयाब रहने वाला है या जीतने वाली है, स्ट्राइक करने वाली है, सारी चीज़ें तो हो जाएगी। देखो सब कुछ बता दिया, पिच रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट, की स्टैट, प्रेडिक्शन आपके सामने है। अब बात करेंगे
पूरे वीडियो के अपने सबसे मेन पॉइंट के जो है हमारी फैंटेसी टीम। मैंने अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर को पिक किया, तो सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ मैंने विकेट कीपर में चूज किया एलेक्स केरी को एंड जो इंग्लिश। बैटर्स की बात करें एडम हॉस, कैमरन बैंकॉक, स्किनाजी और राउंडर मैंने चूज किया ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट, एरन हार्डी। बॉलर में मेरा ऑप्शन होने वाले हैं थॉटन, एंड्रयू टाई एंड लेंस मॉरिस। यहाँ पर आप मैथ्यू केली के साथ भी जा सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से एक ट्रेविस हेड की जगह भी कोई अदर ऑप्शन, एक अदर बॉलर एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। वो तो देखो टॉस के बाद चीज़ें, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ी बदल जाती है, तो टीम में भी छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी इस टीम का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस मैच के कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाले मैथ्यू शॉट। वाइस कैप्टन के लिए आप एरन हार्डी या फिर एकदम सेफ टाई के साथ आप चले जाओ, मतलब बहुत सेफ ऑप्शन है। तो ये टीम आप स्क्रीनशॉट ले लो, कंफर्म बता सकते हो इस टीम के साथ जाओगे लॉस नहीं होने वाला। जीएम में और कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, तो कैप्टन के लिए एरन हार्डी एंड मैथ्यू शॉट, और वाइस कैप्टन की बात करें एलेक्स कैरी एंड जो सैंगलिस, और मुझे एक पांचवा नाम टाई भी लग रहा है। हालांकि मेरे ये चार के प्लेयर है इस मैच के लिए जो मुझे लगता है इस मैच में परफॉर्म करके देंगे और बहुत गजब का पॉइंट दिलाने वाले। तो जीएल में जैसे मैं रोज कहती हूँ ना, बहुत सेफ जाने की जरूरत नहीं है। जीएल ही रिस्क का दूसरा नाम है फैंटेसी में, जीएल। तो तैयार हो जाओ रिस्क लेने के लिए। जीएल में जीतने का सपना देख रखा है, तो रिस्क उठाने के लिए भी थोड़ा दिल बड़ा कर लो, क्योंकि सेफ जहां गए वहां जीएल का सपना टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो रिस्क उठाओ, जितना ज्यादा शफल करोगे, नंबर ऑफ टीम के आपके पास ऑप्शन है, तो नंबर ऑफ कैप्टन वाइस कैप्टन शफल करने के भी ऑप्शन है। तो करो ना, ट्राई करो, कौन सा दिन किस्मत आपकी साथ दे दे और कौन सा कैप्टन वाइस कैप्टन टॉप पे बचा देना, कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। मैं बड़े बड़े मैच फैंटेसी क्रिकेट एनालिस्ट नहीं बता सकते। गाइस देखो बाकी चीजें, फाइनल टीम, जैसा कि मैं रोज कहती हूँ मेरी फाइनल टीम यहाँ नहीं आने वाली है, मेरी फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिकबॉल पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी हमारी लास्ट और बेस्ट विनिंग टीम जो आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद जब चीज़ें चेंज हो जाती है कि कौन से, पहले तो दोनों प्लेयर की तरफ से ये पता चलता है कि दोनों टीम में एग्जैक्ट प्लेइंग 11 कौन से होने वाले, उसके बिहाफ पे हमारे प्लेइंग 11 भी चेंज हो सकते हैं। इसके साथ साथ टॉस पे जो भी टीम जीत के पहले बैटिंग करने आएगी या बॉलिंग करने आएगी, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में चेंज देखने को मिल सकता है। वो सारे चेंज जानने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक सेकंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के टॉप पे आ जाए, आपको पता चल जाए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुकी हूँ, नेक्स्ट मैच कौन होने वाला है उसकी सारी डिटेल्स। तो गाइस बस बहुत हो गया, और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो।